नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं उसी जेवर एयरपोर्ट के पास जहां 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी उद्घाटन में गए थे। उससे कुछ दूरी पर, कुछ सौ मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं जहां वो किसान जिनकी ज़मीनें एयरपोर्ट की ली गई हैं, वो सरकार की जमीन लेने की नीति, जिस नीति के तहत तो जमीन ली जा रही है उससे नाखुश है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले अपनी रिपोर्ट में बताया है, जो फर्स्ट फेज में जिस तरह से ज़मीनें ली गई थी एयरपोर्ट शिलान्यास के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, उसके किसान आज भी इस भीषण ठंड में भी त्रिपाल के नीचे रहने को मजबूर है। सरकार ने उन्हें घर तो तोड़ दिए, लेकिन विस्थापन में उनकी जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं किया, ना उन लोगों को उचित मुआवजा दिया है। इसीलिए जब सेकेंड फेज में जिन गाँवों का नंबर आ रहा है, या सेकेंड फेज में जिन लोगों से जमीन, किसानों से जमीन ली जानी है, वो किसान फर्स्ट फेज जिनकी जमीन ली गई है उन किसानों के साथ जो उत्पीड़न है, जो व्यवस्था हुई है, उससे सीख लेते हुए अपने आगे का जमीन देना है वो किस शर्तों पे देना है, सरकार उनके साथ भी पहली फेज की तरह धोखा ना करे जैसा पहले दौर में कहा गया था उसके लिए। दूसरा, सरकार अगर जमीन लेती है तो इनको उचित मुआवजा 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दिया जाए, इसकी मांग को लेके वो लोग अपनी एक पंचायत कर रहे हैं जिसमें वो अपनी मांग स्पष्ट कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे और किया जाएगा और जमीन नहीं दी जाने की बात कही जा रही है। तुम्हारी ताकत ये है कि झुकना पड़ेगा, क्या है 10-5 दिन मरी तो जाएंगे 10-5 साल। अरे कुर्बानी कही, हमने अमर फल लिखा लिया कि मरना नहीं है, मरना भी है, जब संघर्ष करेंगे तो मरने के ही सोचेंगे पहले, लेकिन मरेंगे ऐसा नहीं आतंकवादी बन के, नहीं, हमें तो ये देना है कि भाई अपनी मांग मांग। छह गांवों से 1344 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण पहले ही शुरू हो चुका है। इसके विरोध में किसानों ने 26 दिसंबर को जेवर में महापंचायत बुलाई। महापंचायत में ज्यादा मुआवजे की मांग की गई। जेवर किसान संघर्ष समिति के अजय प्रताप सिंह लोगों को उन मुद्दों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं जिनके चलते अधिग्रहण के पहले चरण में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अजय और उनके भाई प्रमोद को भी अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी, वे अब भी कोर्ट में इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हुआ है, सरकार को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, हम किसान भाइयों के साथ जिस तरह से हमें उन्होंने ट्रीट किया है, हमें धमकाकर बहकाकर हमसे सहमति ली गई है। एक्ट के अनुसार प्रथम फेस में एक्ट में लिखा है, एक्ट के अनुसार उन्होंने कोई सहमति नहीं ली है। एक्ट में लिखा है, एक्ट 18 sublet 9 में लिखा है कि ये वीडियोग्राफी से प्रति व्यक्ति वीडियोग्राफी से सहमति हो, तो इसलिए ये जब सहमति उससे नहीं हुई पहले फेस में तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गया, सब मामला खत्म हो गया ये पहले फेस वालों का। सब लोगों को हम माननीय न्यायालय इलाहाबाद में हम रिट याचिका है हमारी सभी किसानों की, नवासी गांवों की, खाली 6-8 गांवों की नहीं, नवासी गांवों की, हमने भट्टा पारसोल से लेकर और यहाँ भूमि अधिग्रहण जेवर एयरपोर्ट तक का हुआ है, उसका हमें विचाराधीन है हमारा मुकदमा, अभी स्टे हो गया है कुछ मुकदमों में हमारे में बाउंड्री वाल पर। सरकार फिर भी अपनी मनमानी कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने फिर भी शिलान्यास कर दिया, कहीं विवादित जब जगह होती है तो वहाँ शिलान्यास नहीं हो सकता। मुआवजा वाकई में ही लोगों ने कम दिया है, जो गांव पहले उखाड़ दिए हैं विस्थापित में वो गांव वाकई में ही परेशान है आज, और हमारा गांव जब उखड़ेगा यहाँ तो हम तो ऐसे नहीं उखड़ जाएंगे, हमें तो सारी सुविधा चाहिए, सब पुल पहले लिखित में चाहिए इन लोगों से, ये धोखा करती है सरकार सबके सामने। यहाँ के अधिकारी बात करने को राजी नहीं है किसी से, इनका काम निकल जाता है फिर किसी से बात नहीं करते हैं ये लोग। हमारे सामने यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें बताया कुछ जा रहा है और हो कुछ हमारे साथ हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो हमारी ज़मीनें ली जा रही हैं उसके हिसाब, जो पहले ले ली उसके हिसाब से अब आगे ज़मीन नहीं देंगे, पूरा गांव कोई भी सहमति नहीं देगा। फर्स्ट राउंड में जो एक्विजिशन हुआ है उसके बाद सेकंड राउंड में आप लोग उस रेट पे या उस तरह की शर्तों पे दोबारा ज़मीन नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम पहले ग्रामीण थे और ग्रामीण होने के बाद इन्होंने 2015 में दयानतपुर और अनेरा को फिर नगर क्षेत्र बना दिया, उसके बाद 4 गांवों किशोरपुर, बनवारीपुर, रोही और पारोही को इन्होंने 4 गांवों को फिर इन्होंने नगर क्षेत्र बना दिया। इस 18 मई 2020 को शासन ने उसे टेक्निकल प्रॉब्लम मानते हुए इन गांवों की तो आबादी को ग्रामीण घोषित कर दिया, पहले अवार्ड नगर क्षेत्र का बनाया, नगर ग्रामीण का, दोनों अवार्ड एग्रीकल्चर का भी और वो भी नगर क्षेत्र का था।
फिर इन्हें टेक्निकल जब प्रॉब्लम हुई, त्रुटि हुई उसमें, तो उन्होंने उसी अवार्ड को संशोधित करते हुए उन्हें आबादी को ग्रामीण मान लिया, धारा 31 उसमें लागू हो गई। धारा 23 थी पहले, धारा 23 ऑटोमेटिकली जब खत्म कर दी इन्होंने, धारा 31 लगा दी, तो आज पूरे क्षेत्र में धारा 31 है। और जब धारा 31 है तो पूरी भूमि ग्रामीण क्षेत्र हो गई। और इन्हें ये पता ही नहीं है राजस्व संहिता केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही लगती है, ना कि नगर क्षेत्र में लगती है। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है, गांव ध्यानतपुर है। हमने मुआवजा अभी तक नहीं लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है, पहले गवर्नमेंट ने जो पहले उसमें लिख के दिया हुआ है कि आपको इतना मिलेगा, वो इतने पर राजी नहीं है, वो देना नहीं चाहते, वो अपने जबर वो उन्होंने लिख के जो पहले जो उन्होंने बोला था कि अब जो तुम्हारा सर्किल रेट है उसका 4 गुना मिलेगा, तो सर्किल रेट हमारे वहाँ 3000 है और 3000 का 4 गुना बनता है, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ एग्रीकल्चर लैंड के जगह कॉमर्शियल भी है, उन्होंने वो भी हमें नहीं दिया है। और हमारा ऑन रोड पे कॉमर्शियल फैक्ट्री थी तो रजिस्ट्रेशन था 2016 का, तभी भी उन्होंने अभी हमें कुछ नहीं दिया है और हमारा वहाँ उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है। सरकारी रेट तो बढ़ाया ही नहीं 2013 से आज तक, मार्केट रेट तो कह देते हैं, करते कहाँ है, कहाँ दे रहे हैं, मार्केट रेट तो ये लेंगे, अपनी रजिस्ट्री ये निकालेंगे, कहाँ कहाँ की लेंगे जी। नहीं तो जमीन का मार्केट वैल्यू हम भी तो यही कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू दे, चौक ना देना हमें, हम कब कह रहे हैं चौक 3000 से और 4000 4500 तक है, मतलब इन्होंने 3000 दिया है, जब प्रशासन ने ही 3000 दिया तो मार्केट वैल्यू चौक ना दें, 3000 का 3 चौक 12 1,20,00,000 रुपया दें हमें। जेवर में बिताए वक्त में हमें समझ आया कि ज्यादातर किसान बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। बाजार मूल्य को समझने के लिए हमने भूमि अधिग्रहण के प्रभारी एडीएम बलराम सिंह से बात की। तो इन गांव में सर्किल रेट 900 था जो कि ए में आएगा, बी वाला जो है जो सेक्शन 11 होता है उससे 3 साल पहले के बैनामे कलेक्ट किए जाते हैं, और उन बैनामों में जो हायर साइड होता है, जो हायर साइड 50% बैनामे होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, तो एवरेज जो आता है वो, और इन तीनों में से जो अधिक होता है, तो इस समय जब पहले हमने कैलकुलेशन किया था तो जो बैनामों का एवरेज था वो कम आ रहा था। हमारी 3/11/18 को जो है वो धारा 11 का प्रकाशन हुआ था, तो 3/11/18 से पहले का, सुन लीजिए, 3/11/18 से पहले के जो बैनामे थे वो हमने लिए थे तो 3 साल के, उनका जो एवरेज आ रहा था वो 900 रुपये से सब में कम आ रहा था। फिर ये डिसाइड हुआ कि बैठ के हुई और जनप्रतिनिधि और किसानों के साथ, तो उन्होंने कहा कि इस रेट पे हम देने के लिए तैयार नहीं है, यानी 1800 रेट जो आ रहा था तो 500 रुपये एक्स ग्रेसिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया था, तो उसको मिला करके 2300 रुपये हुआ जो कि कैबिनेट से पास हुआ, फिर वो कैबिनेट में ले जाना पड़ा क्योंकि एक्ट के बियॉन्ड 500 रुपये दिए जा रहे थे, तो कैबिनेट ने ये कह दिया कि सोलेसियम साइज जो है 2300 रुपये प्रतिकर प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया जाता है। तो ये उसी समय जो है एक शासनादेश हुआ, तो वो शासनादेश हो गया, तो अगर सोलेसियम सहित 2300 रुपया था तो फिर उसी पे हमने 70% कंसेंट भी लिया 2300 रुपये पे, तो फिर 1150 रुपये जो है वो मार्केट वैल्यू हो गई। तो एक तरीके से हमने 2300 रुपये पे ही कंसेंट लिया तो ये कंसेंटेड रेट हो गया, तो उसी पे सारा वैल्यूएशन हुआ है। अदरवाइज अगर हम एक्ट के हिसाब से चलते तो फिर 1800 रुपये ही मिलता है इन लोगों को, तो ये है कुल मिलाकर के। बट हम जब क्रॉस वी को देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि एवरेज प्राइस अगर हम अभी भी कैलकुलेट करें, नहीं नहीं उसमें आप देखिए ना, जो हमारा स्पष्टीकरण है एक्सप्लेनेशन आप 4th देखिए, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कलेक्टर की राय में कोई बैनामा बाजार मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है तो उसको गणना से पृथक भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको लिखा है कि अगर कोई बैनामा ऐसा है जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है और बाजार मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है तो उसको गणना से पृथक भी किया जा सकता है। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है, वो तो मतलब जो भी कैलकुलेशन हुआ उसके बियॉन्ड जाके 500 एक्सग्रेसिया दिया गया है। अच्छा, नहीं तो कैलकुलेशन तो बहुत कम आ रहा था वहाँ। तो आप ये कंसीड कर रहे हैं कि ये कैलकुलेशन पूरा प्रिसाइज है, आप लोगों ने जो बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल प्रिसाइज है और मैक्सिमम दिया गया है 500 तो एक्स्ट्रा दिया गया है।
एक और सवाल मुझे पूछना है इस मतलब इस रिलेटेड में कि ये जो सर्कल रेट होता है पहला क्लॉज के हिसाब से सर्कल रेट कब लास्ट टाइम रिवाइज किया गया था। अगर सर्कल रेट रिवाइज किया जाता तो बायनामे के रजिस्ट्री में उससे उसके नीचे तो आप जमीन बेच नहीं। इस प्रश्न पे हमारा कोई कमेंट नहीं है एज ए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। सर्किल रेट जो है वो जो सब रजिस्ट्रार है और जो संबंधित एसडीएम्स होते हैं उनका कमेटी गठित होती है और उसी हिसाब से हर साल के सर्किल रेट रिवाइज होते हैं। यहाँ तो ऐसा भी हुआ है नोएडा में एक समय सर्किल रेट घटाया भी गया है। भाई तो सर्किल रेट के हिसाब से 19 से कुछ का सर्किल रेट है जो दे रहे हैं, बाकी लेन देन अलग से हो जाता है किसानों का आपस में। वो तो 25 में भी बिक रही है, 30 में भी बिक रही है जमीन। तो कि जब तक सरकार अपनी नीतियां क्लियर ना करे, जब तक सर्किल रेट को ना बढ़ाए और सर्किल रेट का 4 गुना पैसा ना दे, तब तक कोई सहमति सरकार को देने वाला नहीं है। हमें ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना था कि दूसरे चरण में मूल्य तय करने के लिए प्रशासन ने कोई सहमति नहीं ली। उसमें सरकार ने सबसे पहले एक अभी एक नोटिस भेजा है और उसमें नोटिस में एक आ गया है कि हम 8 तारीख को आप लोगों के गांव आ रहे हैं और आप लोगों की सहमति चाहिए। सरकार ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि आप हमारी जमीन किस रेट में खरीदने की सहमति हमसे ले रहे हैं। हमें ये भी पता चला कि 2013 से सर्किल रेट नहीं बदला गया था, इसलिए जमीन का बाजार मूल्य अब भी इसी दर के आसपास घूम रहा था। अगर सर्किल रेट में नियमित संशोधन किए जाते तो बिक्री नामे का औसत मूल्य ज्यादा रहता। 4,500 रुपए मीटर की रजिस्ट्री यमुना प्राधिकरण ने स्वयं खरीदी है, 3,000 रुपए की रजिस्ट्रियां स्वयं की हैं उन्होंने, स्वयं 2,400 रुपए की, 2,450 रुपए की रजिस्ट्रियां उन्होंने स्वयं की हैं, तो वो बाजार दर हो गई। और जो वो बाजार दर है तो उन 4 रजिस्ट्रियों को उठा लें, और 300 रजिस्ट्रियां हैं, 4, 5, 10 रजिस्ट्री उठाकर उसमें से हाईएस्ट रेट की 2 रजिस्ट्री उठा लें, 2 सेकंड रेट की, 3rd की, और मार्केट दर निश्चित कर लें। एवरेज हमें 3,000, 3,500 हमारा एवरेज आएगा, 3,500 से हमारा मूल्यांकन कर दें, हमें ये मिलेगा। अधिनियम की सूची 3 के प्रावधानों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण करने वालों को प्रभावित परिवारों को 25 अतिरिक्त सेवाएं भी मुहैया करानी होंगी। इन सेवाओं में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, पीने योग्य स्वच्छ जल, बाल सहायता सेवाएं, प्रार्थना स्थल, कब्रगाह और शमशान घाट के लिए जगह और भंडार केंद्र शामिल हैं। जब हम पुनर्वास की जगह पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहां के लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ LARR 2011 की आपको एडिशनल एमिनिटीज देने हैं के टाइम पे, उसमें सम एग्जांपल्स में बोलूंगा 25 एडिशनल सर्विसेज में से कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा, स्कूल, हेल्थ सेंटर, रोड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, चाइल्ड सपोर्ट सर्विसेज, प्लेस ऑफ वर्शिप, क्रीमेशन कंपोस्ट सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं खुद पर्सनली रिहैबिलिटेशन साइट में जाकर आया हूँ, वहाँ पे लोगों का कहना है यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त नहीं हुआ है जहाँ पे हम जिस गांव में हैं। वो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे एक चीज पे खत्म करने दीजिए। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया, आप हमारा उत्तर सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। ठीक है, बोलिए। देखिए, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का लोग ये चाह रहे थे कि शिफ्टिंग हो जाए, तो पहले विभाग तो कह रहा था कोई नियम नहीं है शिफ्टिंग का। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे डीएम साहब ने भी, कमिश्नर साहब ने भी बात की उच्च स्तर पे, एमडी लेवल पे, तो अब वो डिसाइड हो गया है कि शिफ्टिंग होगी और उसका शासनादेश 2-4 दिन में जारी होने वाला है। अच्छा, और कब्रिस्तान शमशान, सुन लीजिए, कब्रिस्तान शमशान जो है जितना वहाँ एग्जिस्टिंग था उतना हम लोगों ने प्रपोज किया था, उतना हमने किसानों से कंसेंट ले लिया, जिस साइड टंकी है उस साइड बाउंड्री से लगा हुआ हमें उतनी जमीन मिल गई है, और हम उसको परचेज करने के लिए हमारी जो कमेटी थी उसने अप्रूवल भी कर दिया है, कमिश्नर साहब ने अप्रूवल किया है, अब हम उसको परचेज करने जा रहे हैं, उसका पैसा भी मिल गया है। एक मंदिर और मस्जिद प्रपोज है, उसका लेटर मैंने लिखा है, वो भी बन रहा है, और हर उसमें सेक्टर में एक एक सामुदायिक शौचालय का भी प्रपोजल है, पुलिस चौकी जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहाँ पे जगह छूटी हुई वो भी बनेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी प्रपोजल है। हमने एक लेटर जारी किया था उसमें 11 एंट्रीज लिखी थी, जितना भी कहा गया है वो सारी चीजें हैं, सब इसमें अभी तो पाइपलाइन में है और सारी मतलब आप देखेंगे 3-4 महीने में सब बन के वहाँ पे तैयार हो जाएगा। 3-4 महीने तो ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बात ये है कि ये जो डेमोलिशन होता है वो तो आर एन आर साइट डेवलप करने से पहले तो नहीं होना चाहिए,
अब इस बात की कोई वो नहीं है, वो तो जो भी किसान है और जहाँ तक उनका कंस्ट्रक्शन का है वहाँ पे आप जो भी हमारा मलबे का था उसका दोगुना पैसा भी दिया है। सरकार ने सिर्फ कहा कि पेड़ों का पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक किसी पेड़ का पैसा नहीं था। और उस पेड़ के क्या मानक थे, घरों का जो आकलन किया वो क्या मानक था, वो सरकार ने नहीं बताया। एक बार बताओगे 18 साल इनसे 2-2 लाख रुपए काट लिए पहले फीस में, दो साल हो गई, 5-5 लाख रुपए जो काटे और उसको उनसे दोबारा जो मंगाए उन पर से 1-1 लाख रुपए रिश्वत के लिए पैसा डाल लेके, और किसी कौन को साले 2 साल से नौकरी दी है एक बिना दी किसी बच्चे को, और पैसा काट लिए 5-5 लाख रुपए। भाई कम से कम गरीब है, उस गरीब का आयत्तो मत करो। ना हमने एयरपोर्ट का पहले विरोध किया था, ना आज कर रहे हैं। हम चाहते हैं एयरपोर्ट बने, लेकिन अब सरकार ने ये शुरू में कहा था कि देखिए एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत सारा विकास होगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट बनने से सरकार का विकास हो सकता है लेकिन हम लोगों का तो विनाश होने वाला है। हम लोगों का भी विनाश तय है अगर सरकार इसी तरह करती है तो। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में लोगों के एक वर्ग को ठगा हुआ महसूस होता है। ये लोग सरकारी प्रशासन को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आप लोग क्या इसका इस्तेमाल आने वाले चुनाव में नहीं कर सकते, जो भाई अपना ताकत दिखाए हम चुनाव में इसका इस्तेमाल करें, उसका कुछ फायदा मिले हमको? देखिए बात ये है, ये तो सरकार को देखना है कि सरकार को हम जो महापंचायत हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा अहित होने वाला है। हम अपने अहित को बचाने के लिए ये पंचायत कर रहे हैं, तो अगर सरकार का अहित होने वाला है आने वाले इलेक्शन में, ये सरकार को देखना होगा।